हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े की रेसिपी और इसे बनाना बड़ा इजी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 पिंच इसमें हींग ऐड किया है, साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक भी ऐड कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड किया है। पानी हमें एक बार में ऐड नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती रहूँगी और ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें बिल्कुल भी लंग्स ना बने। 3 से 4 बारीक चॉप करके हरी मिर्ची ऐड कर लिया है, साथ ही मैं 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी ताकि हमारे ब्रेड पकौड़े अच्छे स्पाइसी बन के तैयार हो। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी भी हमारा पेस्ट थोड़ा थिक है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। लास्ट में हरा धनिया लूँगी और इसे भी बारीक चॉप करके ऐड कर लूँगी। अपने पेस्ट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रेड पकौड़े का स्टफिंग का मसाला तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 5 उबले हुए आलू ली है और इन्हें हाथों से अच्छी तरह से मैश करके डाल लिए हैं। साथ ही मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची को भी बारीक चॉप करके ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया और इसे भी हाथों से क्रश करके ऐड कर लिया है। साथ ही हम 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लूँगी और सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और हमारे स्टफिंग का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब लेंगे हम एक ब्रेड और ब्रेड में इसमें ब्राउन ब्रेड यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें वाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। और एक ब्रेड पे मैंने लगाया है टमाटो सॉस और साथ ही इस पे रखेंगे जो स्टफिंग का हमने मसाला बनाया था वो इस पे अच्छी तरह से भर लेंगे। दूसरी ब्रेड पे लगाऊंगी मैं ग्रीन चिल्ली सॉस और आप चाहे तो इसमें टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। अब ब्रेड को बीच में से कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सभी ब्रेड को भर लेना है। ब्रेड फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लें और साथ ही जो हमने बेसन का पेस्ट बनाया था उसमें ब्रेड को डिप करेंगे और ऑयल में डाल लेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट इसे पकाने के बाद इसका कलर गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों साइड से इसे पलटते हुए पका लेना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल गोल्डन होना स्टार्ट हो चुका है और इस स्टेज पे हमारे ब्रेड पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।